Good morning everyone. Kindly join the class. फटाफट join हो जाइए. Very good. Good morning Kunal Thipeji. The class became late because it was not getting started because of connectivity issue. Abhi bhi pata nahi kabhi stream end ho jayegi, chalegi ki nahi. I don't know. So kindly join fast. Good morning everyone. So right now as I am able to see that connection is excellent, so we can proceed. I don't know at what time error is going to start again. Chaliye, hope for the best. Class shuru karte hain hum. And today we are going to talk about the topic, that is a meiosis. So one thing which I want to tell you regarding the meiosis, meiosis is a sort of cell division which is happening in case of reproductive cells only. ये एक ऐसा cell division है जो कि सिर्फ reproductive cells में होता है. इसका दूर दूर से mitosis के जैसा संबंध नहीं है, यानी कि ये somatic cells में नहीं होता है. तो पहली चीज़, तो व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सेल्स देन वी शुड अंडरस्टैंड कि ये जो हमने स्पर्म फॉर्मेशन देखा था, ओवम फॉर्मेशन देखा था, दैट टाइम ऑल्सो यू मस्ट बी रिमेंबरिंग कि इन वन ऑफ द सेशन आई गॉट वेरी इरिटेटेड बिकॉज यू पीपल वर नॉट एबल टू गिव द आंसर रिगार्डिंग द मियोसिस एंड द माइटोसिस. आई होप यू विल बी रिमेंबरिंग. थोड़ा दिमाग मेरा उस दिन हीटअप हो गया था क्योंकि आप लोग उल्टे सीधे जवाब दे रहे थे. तो नाउ मियोसिस इज बेसिकली द सॉर्ट ऑफ सेल डिवीजन विच इज़ हैपनिंग इन केस ऑफ ओनली रिप्रोडक्टिव सेल्स, दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ द गैमिट्स. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गैमिट्स देन वी डू हैव टू टाइप्स ऑफ गैमिट्स. वन इज स्पर्म एंड अनदर इज ओवा. तो इस तरीके से हमारे पास में केवल दो तरीके के गैमेट्स होते हैं, मेल के बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन, फीमेल के बॉडी में ओवम फॉर्मेशन. तो बेसिकली जब गैमेट्स बनाने होते हैं तभी मियोसिस करने की ज़रूरत पड़ती है. दूसरी चीज़, मियोसिस करते समय जो हम सेल इस्तेमाल करते हैं वो 2N के ही होते हैं, पर उनमें से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कितने बनते हैं, 2, 3, 4. तो अभी आप बोलोगे अरे यार ये क्या हिसाब है, 2N से 4 सेल बना दिए उठा करके, NNN ईच वाले. तो बेटा यहाँ पे जो साइकिल होती है बेसिकली डिवीजन की साइकिल, दैट डिवीजन साइकिल इज गॉट डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस. मतलब दो तरीके के इसमें पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एंड 2 पार्ट्स इट इज गोइंग टू गेट कम्प्लीटेड. और यू कैन कंसिडर कि माइटोसिस की जो साइकिल होती है ना, वैसी ही कुछ साइकिल आपकी 2 बार होती है. ठीक है, अभी उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के अंदर घुसने की कोशिश मत करो. क्या होता है, कैसे होता है, ये बताना मेरा काम है. दैट बस जो कितना कहा जाए उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा. सो द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ 2 गैमिट्स. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस वक्त 2 गैमिट्स का फ्यूजन होता है. और क्योंकि हमारी बॉडी में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का सेट है, दैट इज़ अ डिप्लॉइड सेट, मीन्स वी आर हैविंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो अगर हमको हमारे ईच पेरेंट से 23 नहीं मिलेगा तो 46 नहीं बनेगा अल्टीमेटली. अगर दोनों पेरेंट अपना अपना 46 पकड़ा देंगे तो 46 46
जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका अगली जनरेशन में जब आप जाएंगे तो ये जो आपका यहाँ पे आपको मिला है, ठीक है, जो कि 46 प्लस, अगर मान देते हैं कि 46 दोनों पेरेंट ने ही दिया है तो आपका कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम 92, है ना। तो 92 क्रोमोसोम अगर हमको मिल जाएगा, यानी कि 46 एंड हाफ, एंड अनदर पेरेंट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव 46 पेयर्स, तो ऐसे करते 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 बहुत ज़्यादा मल्टीपल होते चले जाएंगे, है ना। तो अगर ये मल्टीपल हो जाएंगे तो पहली चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम ह्यूमन नहीं रहेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज ह्यूमन्स के केस में जो एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिसाइडेड है, दैट इज़ अ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और 23 इन पेयर्स। सो वी नीड टू मेंटेन 46। तो करना क्या पड़ेगा, हमारे पास में ओवरऑल हमारे जो सेल्स के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, सो द सेम सेट वी वांट इन ईच इंडिविजुअल सो एज टू रिमेन ह्यूमन बीइंग, कोई डेविल या कोई और एलियन नहीं बनना है हमको, ठीक है। तो हमको 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही चाहिए हमारी बॉडी में, तो उसके लिए हमारे दोनों ही पेरेंट्स को अपने से 23 ही देना होगा, और उस 23 को बनाने के लिए जो उनके पास में क्रोमोसोम है उनको उसका आधा करना होगा, गैमिट बना करके देना होगा। इतनी बात समझ में आई आपको? देखिए, आई वॉज एक्सपेक्टिंग द एरर अगेन, तो एरर आ चुका है। पता नहीं क्लास कितनी देर चल पाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? बेटा आपको जहां कहीं पर भी कुछ भी डाउट आना शुरू हो तो प्लीज आस्क इमीडिएटली, क्योंकि आज मैं मियोसिस का बेसिक पढ़ाऊंगी, मियोसिस के कोर पार्ट में नहीं जाने वाली मैं आज, ठीक है। सो दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम, मतलब जो जायगोट होगा उसको दोनों ही पेरेंट से 23 क्रोमोसोम्स मिले थे, जो कि 23 मतलब आपको ये समझना है 23 मिलकर के 46 होंगे, ताकि आपका फॉर्मेशन हुआ हो पाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 46 करने के लिए दोनों पेरेंट को हाफ ऑफ करना पड़ता, तो दोनों ही पेरेंट के केस में जब गैमिट बना था तो रिडक्शन हुआ था उनके ओवरऑल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो उनके पास में 46 थे, इट गॉट रिड्यूस इनटू हाफ, सो एज टू बिकम 23। मियोसिस किया था हमने, हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। सो दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। तो मियोसिस को इसीलिए हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, घटा हुआ, कम किया हुआ, और इक्वेशनल हम बोलते हैं माइटोसिस को। क्या आप जानते हैं क्यों? जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो डॉटर सेल्स बन रहे थे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल इक्वल थे जैसा कि उनके पेरेंट के अंदर थे, पर यहाँ पे जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, एक तो उनकी संख्या ज़्यादा है, वो है 4, और उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो बेसिकली कैसा है, एन, ठीक है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज। मियोसिस में हैप्लॉइड फेज ही बनता है, ठीक है, ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और मियोसिस
सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, ताकि फर्टिलाइजेशन के लिए जो गैमिट तैयार हो सके वो हैप्लॉइड बने। वी केम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस इन एनिमल्स पढ़ाई है क्लास 12th को, ठीक है। बाकी अभी मुझे यूनिट 1 पढ़ाना बाकी है आपका क्लास 11th को, तो आपको गैमेटोजेनेसिस में तब बताऊंगी। तो दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, द की फीचर्स ऑफ द मियोसिस आर, सो प्लीज पे अटेंशन टू दीज पॉइंट्स। मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सिक्वेंशियल साइकिल्स। पहली चीज, मियोसिस के अंदर ये जो सिक्वेंशियल, यानी कि जिसमें आपने देखा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इस तरीके की फेजेस दो बार होंगी, ठीक है। दो तरीके के साइकिल्स में डिवाइडेड है, टू सिक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ द न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। तो एक बार में न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर जो सेल बनेंगे, फिर उनका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तब ये साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि एक बार मियोसिस का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको एनाफेज, जैसे एक बार में एक जो सेल डिवीजन होगा एनाफेज एक बार होगा, फिर सेकंड टाइम में जब एनाफेज की बारी आएगी तो वह एनाफेज 2 होगा। इन दिस वे यू आर हैविंग द टू सिक्वेंशियल साइकिल्स इन अ वन मियोसिस साइकिल, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पर डीएनए रेप्लिकेशन की जो साइकिल है वो एक ही है, हालांकि मियोसिस दो साइकिल्स में डिवाइडेड है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड। जैसे ही पेरेंट का क्रोमोसोम रेप्लिकेट होगा, यानी कि कौन से फेज में होगा, इंटरफेज के कौन से फेज में रेप्लिकेशन होगा, इंटरफेज के कौन से फेज में रेप्लिकेशन होगा, जल्दी बताइए। इन विच फेज ऑफ द इंटरफेज दिस डीएनए रेप्लिकेशन इज गोइंग टू बी देयर। मुझे आपको ये सारी चीजें कंठस्थ से करानी है एक एक बच्चे को, तो जल्दी से बताइए। एस फेज, वेरी गुड, आई एम सेटिस्फाइड विद योर आंसर। तो इंटरफेज के एस फेज में होगा डीएनए रेप्लिकेशन, और जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन होगा उसके बाद में शुरू होगा क्या, मियोसिस 1, ठीक है। तो मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द एस फेज। टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब क्रोमोसोम की दो कॉपी बना ली है, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए हैं, ठीक है। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सो दिस इज व्हाट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मियोसिस 1 की बात कर रही हूँ मैं, इसमें पेयरिंग होती है, पेयरिंग मतलब जोड़ा बनाना, कैसा जोड़ा बनाना, दो क्रोमोसोम्स दोनों में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, मतलब एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड, दूसरे क्रोमोसोम में भी सिस्टर क्रोमैटिड, वो जोड़ा बनाएंगे। सो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसको मैं कुछ ऐसे तरीके से बताती हूँ, प्लीज 2 मिनट के लिए मेरी बात कृपया करके पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा। एक क्रोमोसोम ये है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। मैं इसको आपको सिर्फ समझाने के लिए दूसरे कलर से बनाने जा रही हूँ, और ऐसा ही इसमें भी है। ये क्रोमोसोम जो है, दे विल बी फॉर्मिंग द पेयर, ये जोड़ा बनाएंगे, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है एक, ये भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये इसकी बहन है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, सिस, वी बोथ आर सिस, एंड ये भी बोलती हैं हम दोनों भी बहने हैं, वी बोथ आर सिस। पर अगर मैं बात करूं आपसे, ये रेड वाली इस पर्पल वाली की बहन है क्या, इसकी सिस्टर है वो या नहीं है, दीज टू आर सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, काइंडली गिव आंसर। दो रेड वाले आपस में एक दूसरे की बहने, दो पर्पल वाले वो भी आपस में एक दूसरे की बहने, बट रेड और पर्पल वाला जो क्रोमोसोम है उनके जो सिस्टर, उनके जो क्रोमैटिड्स हैं, आर दे ऑल्सो सिस्टर क्रोमैटिड्स और दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स,
बिल्कुल सही उत्तर है, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ सिंस लास्ट फ्यू ऑफ माय लेक्चर्स, क्लास इलेवेंथ जो है वो लेक्चर्स में पार्टिसिपेट ठीक से नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट वन और टू स्टूडेंट्स। जैसे कि आज मुझे दिख रहा है अर्पिता रोज पार्टिसिपेट कर रही है आंसर देने में, ठीक है, और निधु और मनस्वी ये बीच में कभी कभार आ रहे हैं, तनाली बिल्कुल सो रही हैं क्लास में, आती ही नहीं है, और आयुष निखाड़े जी को तो बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है क्लास से। प्रज्वल शिवने जी भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उसके बाद जब तक मैं उनको पोक नहीं करूँगी तब तक वो कोई आंसर नहीं देंगे। सो प्लीज़ मेक इट वेरी श्योर, क्लास ट्वेल्थ को मैं ये चीज़ दोबारा पढ़ा रही हूँ, ठीक है। पिछले साल की कंडीशंस कुछ डिफरेंट थी, अब आपके लिए ये ऑनलाइन मोड एक नॉर्मल मोड हो चुका है, तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू टीच यू दिस चैप्टर अगेन। और ये चैप्टर इतना स्लो जाने के पीछे मेरा कुछ सर्टन रीजंस है। सो आप अगर आंसर नहीं देंगे क्लास इलेवेंथ तो आपके लिए काफ़ी तकलीफ देह हो सकता है ये, इस साल प्लस अगले साल दोनों ही में, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, प्ले विद योर फ्यूचर एज मच एज यू कैन। तो मियोसिस में आपने यहाँ पे बेसिकली देखा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और ये आपस में, ये एक पूरा होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एंड दिस वन इज ऑल्सो दिस वन इज ऑल्सो द होमोलॉगस क्रोमोसोम, बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट ईच अदर्स, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, आपस में ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम, इनके बीच में पेयरिंग होगी, ये जोड़ा बनाएंगे, फोर हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। रिजल्ट जो मिलता है मियोसिस वन टू के कंप्लीट होने के बाद में, यू विल बी गेटिंग फोर डॉटर सेल्स एंड ईच डॉटर सेल विल बी हैविंग एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मियोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेज, सो प्लीज पे अटेंशन, मियोसिस वन मियोसिस टू। तो ऐसा नहीं है बेटा प्रोफेज वन के बाद प्रोफेज टू होगा और मेटाफेज वन के बाद मेटाफेज टू होगा, एक बार में ये पूरा साइकिल कंप्लीट होगा और उसके बाद में ये वाला पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, तब जा करके चार डॉटर सेल्स बनेंगे। इसके ये जहाँ पे कंप्लीट होगा तो आपको केवल दो डॉटर सेल्स मिलेंगे, और फिर ये दो डॉटर सेल डिवाइड करेंगे और इसके दो और इनसे भी दो प्रोड्यूस होंगे, सो एट लास्ट यू विल बी गेटिंग फोर डॉटर सेल्स। अंडरस्टूड, इज इट क्लियर? तो इज इट क्लियर? चार डॉटर सेल बनने का कंसेप्ट समझा आयुष? अगर मुझे अगर आंसर नहीं आना शुरू हुआ ना बेटा, अभी चलती हुई क्लास में मैं तुम्हारे कॉल करना शुरू करूंगी तुम्हारे पेरेंट्स को। प्रज्वल, भगवती जी आज भी क्लास में नहीं आई हैं। प्रीति जी भी मुझे मैसेज में यस मैम करके गायब हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आई विल बी कंटिन्यूइंग द क्लास। ठीक है बेटा, मर्जी आपकी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती, मत करो क्लास, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मैं शुरू करने जा रही हूँ मियोसिस वन। मियोसिस वन का मैं शुरू करूँगी प्रोफेस, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपके लिए कुछ नए नए नाम आने वाले हैं, तो उनको पहले मैं आपको लर्न करवाऊँगी ताकि आप फिर आगे का जो स्टेज है वो अच्छे से समझ सकें। तो प्रोफेज है, और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चार एज इट इज रहेंगे, बट इन मियोसिस वन वी आर हैविंग सब फेजेस। सब फेजेस मतलब
फेज के अंदर के भी कुछ फेजेस हैं, ठीक है। तो हेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोफेज वन। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मियोसिस वन, ठीक है। तो मियोसिस वन का पहला फेज शुरू करने जा रही हूँ मैं, जो कि प्रोफेज है। प्रोफेज इज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर्ड टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अरुण सर, कोई और सेटअप खाली है आज? क्योंकि क्लास लेट शुरू हुई मेरी आज, तो मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँ। हाँ देख लो, नहीं मिलता तो मुझे बता देना। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर्ड टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो अगर हम बात करते हैं माइटोसिस के प्रोफेज के बारे में, तो ये वाला जो प्रोफेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग फाइव फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। तो यहाँ पे इसके अंदर में कुछ और फेजेस हैं, और कुछ फेजेस के जो नाम हैं वो है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो अब आप सोचेंगे कि चार फेज का सीक्वेंस याद करने में तो इतनी तकलीफ जा रही थी, अब इसको कैसे याद करें? तो देखो, एल फॉर क्या होता है? एल फॉर लड़की या लड़का, ठीक है। तो एल फॉर लड़की, जेड फॉर जरा, पी फॉर पानी, डी फॉर दे, अनदर डी फॉर दे, ठीक है। पहले वाला है डिप, फिर है दिया, डिप दिया, ठीक है। तो लड़की जरा पानी दे दे, दे दे का पहला डी है डिप, दूसरा डी है दिया, ठीक है। क्या ये आपको याद हो गया है? आपको ये स्टेजेस याद हुए? एल पहला क्या है? एल फॉर लड़की, जेड फॉर जरा, पी फॉर पानी, अनदर डी फॉर दे, अनदर डी फॉर फिर दे, लड़की जरा पानी दे दे। पहला डी जो है वो डिप है, डिप दिया, ठीक है। याद हो गया आपको? ओके, तो ये आपको याद करना है। L फॉर है लैप्टोटीन, Z फॉर है जाइगोटीन, P फॉर है पैकीटीन, D फॉर है डिप, पहला डिप है ना तो डिप्लोटीन, फिर दूसरा क्या है? डिया, डायकाइनेसिस, ठीक है, डायकाइनेसिस, ठीक। ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा पहले। तो जितने लोगों को याद हो गया हो वो अपना हाथ खड़ा करें। अब हाथ कैसे खड़ा करेंगे वो आप जानिए कैसे करना है आपको, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। और मैंने क्लास 11th को पीपीटी बनाने के लिए दिया था। क्लास खत्म होने के बाद में आपको गूगल क्लासरूम पे एक अटैचमेंट मिल जाएगा, आप उसके अंदर जाकर के अपना पीपीटी शेयर कर दीजिएगा। एंड आई विल बी फाइनलाइजिंग द बेस्ट पीपीटी दैट आई एम गोइंग टू शेयर इन क्लास 11th एंड 12th ग्रुप बोथ, ठीक है। तो ये आपके स्टेजेस हो गए, लड़की जरा पानी दे दे। अब मैं बात करने जा रही हूँ लेप्टोटीन की। तो इट्स माय काइंड निवेदन टू यू, इट्स माय हाँ, एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन लर्न। पैकेट मांगो, पानी मांगो, या कुछ और पीसे होता हो तो वो भी आप देख लीजिए। तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। आई जस्ट ट्राई टू मेक यू रिमेंबर बाय दिस वे, ठीक है। सो प्लीज पे अटेंशन। मैंने आपको सिर्फ इतना बोला कि इट्स माई निवेदन टू यू, प्लीज लर्न दिस कंटेंट, ओके, बिकॉज इट्स गोइंग टू वर्क अ लॉट फॉर यू। जब कभी ये चीज़ें दोबारा आएंगी ना आपको चैप्टर के अंदर,
तब आपको शायद मेरी कही हुई बात याद आएगी. ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जब लेप्टोटीन फेज होती है तब क्रोमोसोम्स दिखते हैं. द कॉम्पैक्शन, देखो भाई प्रोफेज में क्या होता था, क्रोमोसोम की विजिबिलिटी आती थी, वो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम में कंडेंस होते थे. सो सेम वे यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा. सो द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू लेप्टोटीन, कॉम्पैक्ट होने का कार्य चल रहा है. सो दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ द प्रोफेज वन कॉल्ड जाइगोटीन, और ये फॉलो होगा किससे, अगली स्टेज जो आएगी जाइगोटीन में. तो पहली चीज याद रख लीजिए, लेप्टोटीन में क्या होता है, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम. कृपया करके नोटबुक लेकर के बैठो और वहाँ पे लिखो लेप्टोटीन में क्या होता है, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इट इज़ विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है, और उसके बाद में सेकेंड फेज आता है लेप्टोटीन के बाद में जाइगोटीन. दिस स्टेज, इन दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्टेड पेयरिंग. तो यहाँ पे आप लिखिए जाइगोटीन पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, और इस पेयरिंग को ही बोलते हैं आप साइनेप्सिस. ठीक है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब बताऊं मैं आपको, जो भी मैंने ऊपर डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने रेड क्रोमोसोम और एक ब्लू क्रोमोसोम बनाया था, इन दिस वे द टू क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू गेट पेयर टुगेदर. सो ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस. सो इन साइनेप्सिस हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर. प्रीति भगत यू केम वेरी लेट, सो टुडे आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट प्रीति भगत भी आजकल पढ़ रही हैं अच्छे से, शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क हार्ड, बट इफ़ यू विल बी बेटा एबसेंट देन डेफिनेटली वट एवर द एफर्ट यू आर पुटिंग इन योर स्टडीज इट इज़ गोइंग टू बी देयर इन अ वेन और इट विल बी वेस्ट अगर आप बीच में स्किप करोगी तो. चलिए मुझे जल्दी से बताइए आपको यहाँ पे जाइगोटीन स्टेज में when I will be saying chromosomes, so how many chromosomes are participating in this कल्याणी pairing में चार chromosome नहीं होंगे बेटा, एक pair में कितने chromosomes होंगे, चार कुछ और होगा वो मैं बताती हूँ क्या होगा, पर मुझे पहले इतना बताओ कि chromosomes कितने होंगे एक pair में. How many chromosomes will be making the pair? तो भाई पेयर मतलब तो क्या होता है, जोड़ा. जोड़ा मींस इट विल कंटेनिंग ओनली टू. तो जो जोड़ा होगा, अब उस जोड़े के अंदर दो क्रोमोसोम्स पेयरिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो उन दो जोड़ों के अंदर कितने क्रोमैटिड्स होंगे, प्लीज लिसन, हाउ मेनी टोटल क्रोमैटिड्स विल बी देयर इन टू पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल क्रोमैटिड्स. हेयर आई हैव नॉट लेबल्ड देम सिस्टर और नॉन सिस्टर्स. जल्दी करिए जल्दी. लगता है मुझे ही उत्तर देना पड़ेगा. वेरी गुड आंसर, चार क्रोमैटिड्स होंगे टोटल, और एक क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमैटिड्स होंगे वो सिस्टर क्रोमैटिड, दूसरे क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमैटिड्स होंगे वो भी सिस्टर क्रोमैटिड, बट ये आपस में एक दूसरे के नॉन सिस्टर्स. ठीक है, ओके. सो व्हेन दे विल बी मेयरिंग, सॉरी पेयरिंग, और दे विल बी मेकिंग द एसोसिएशन, देन इट विल बी नोन एज साइनेप्सिस. मेक अ स्टार्ट पॉइंट, ये वर्ड याद रखना, साइनेप्सिस बोलते हैं उसको. सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. इस तरीके के जो क्रोमोसोम्स पेयरिंग करेंगे उन्हें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज अकंपनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. और इस तरीके से जब वो एसोसिएशन बनाएंगे तो ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, मतलब पूरा स्ट्रक्चर जिसमें दो होमोलॉगस क्रोमोसोम घुसे हुए हैं. ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट. इसको बाइवेलेंट क्यों बोलते हैं, इसमें दो क्रोमोसोम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसको टेट्राड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें चार सिस्टर क्रोमैटिड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं.
However, these are more clearly visible at this next stage. The first two stages of prophase 1 are relatively short-lived compared to the next stage, that is pachytene. But before starting the pachytene, let me see if there is a availability of the diagram, then I will be providing. No. Okay. So tomorrow I will be bringing the detailed diagram of this one. अभी मैं Google पे जाकर के diagram नहीं search करूँगी, मैं आपको कल इसका और detailed version दिखाऊँगी, diagram के according explain करूँगी, ठीक है? तो अभी इसमें इतना समझ लीजिए, अभी जो मैंने यहाँ पे complex बनाया है, इसको, इस पूरे को tetrad बोलते हैं, ठीक है? और अगर मैं दो क्रोमोसोम के रेफरेंस में बात करूं, वन क्रोमोसोम एंड अदर क्रोमोसोम, तो इट विल बी नोन एज बाइवेलेंट. और इस तरीके का एसोसिएशन साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहलाता है, और इस तरीके का रिलेशन साइनेप्सिस कहलाता है. बहुत सारे वर्ड बता दिए ना मैंने, एक मिनट का समय दो अगर तो मैं आपको डायग्राम निकाल के देती हूँ. रुको, देखो यहाँ पे अगर देखो थोड़ा सा, दो टर्म्स तो क्लियर हो जाएंगे. ये देखो, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये जो दो है ना, ये वन क्रोमोसोम एंड अदर क्रोमोसोम, दीज आर नोन एज बाइवेलेंट्स. और जब हम इनके क्रोमैटिड्स को काउंट करेंगे एज पर द नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, इट विल बी कंसिडर एज अ टेट्राड. इतना क्लियर हो गया, दो टर्म्स क्लियर हो गए. अब मैं आपको क्रॉसिंग ओवर दिखाती हूँ. कियस मेटा, ये देखो, जब जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, पहली मेरी चीज़ याद रखना, देखो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं इनको, ठीक है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, उनके जो ये नॉन सिस्टर आर्म्स है, एक रेड वाला एक पिंक वाला, दे आर गेटिंग क्रॉस. यहाँ पे क्रॉस जो बन रहा है, ये एसोसिएशन, ये कियाज़माटा बोलते हैं इसको, ठीक है? इट्स अ कियाज़माटा फॉर्मेशन. और क्या टर्म था हमारे पास में, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. स्पेलिंग एरर है, ये देखिए वही आपको डिवीजन की फेजेस दिखाई गई हैं. ये देखो, ये माइक्रोटिब्यूल्स दिख रहे हैं, ये वही माइक्रोटिब्यूल्स है जो स्पिंडल बनाते हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है? ये क्या है, होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर पुल्ड अपार्ट बाय माइक्रोटिब्यूल्स, ये तो पार्ट होगा. और आपको साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, बस इतना समझ लो कि ये जो एसोसिएशन बनी है ना होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में, होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इनके बीच में जो एसोसिएशन बनी है, दिस इज व्हाट इज नोन एज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. आपको किसी टर्म में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बता दीजिए. मैंने जितना क्लियर होने करने की कोशिश हो सकती थी मैंने आपको कर दिया है, इमेजेस भी आपको मैंने दिखा दी हैं. अभी फिर भी नहीं समझा हो तो प्लीज़ बता दो. कियाज़माटा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्सिस, और क्या था, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ऑल दिस टर्म्स आर क्लियर. बेटा जो चीज़ नहीं समझी है उसका नाम मेंशन करो, क्योंकि इतने सारे टर्म्स नहीं बताऊंगी मैं दोबारा. अगर जो पर्टिकुलर चीज़ नहीं समझी है उसका नाम लिख दो, आई विल बी एक्सप्लेनिंग अगेन.
शुभम जो नहीं समझा बेटा उसका नाम लिखो जल्दी से, टाइम जा रहा है, जल्दी वेस्ट हो रहा है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बस वही होता है जिसमें दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के पास आकर के इस तरीके का फॉर्मेशन की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की अजमेटा बना रही हैं, इस तरीके के एसोसिएशन को पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के मिल करके, इसको साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है शुभम, तुम बताओ तुम्हें नहीं, क्या नहीं समझा जल्दी बताओ। कम ऑन टेल मी व्हाट यू हैव नॉट अंडरस्टूड। शुभम कोई स्पेसिफिक चीज नहीं समझी तो प्लीज जल्दी से बता दो, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती लिख दो समझ आ गया। तो बेटा मुझे अगर नहीं समझाना होता डिटेल में और सुपरफिशियल पढ़ाना होता तो मैं बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर निकाल सकती थी, पर मैं नहीं निकाल रही हूँ। कुछ भी चाहिए तो जल्दी बताओ, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है सो आज एक होमवर्क करना, अभी फटाफट नोट डाउन करो, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्सिस, कियस्मेटा, टेट्राड, बाइवेलेंट, ठीक है ये सारे टर्म्स एक जगह लिखो और उसकी जितनी सिंपल डेफिनेशन आप लिख सकते हो वो लिख करके मुझे फटाफट व्हाट्सएप करो क्लास के बाद में। जितने टर्म्स अभी पढ़े हैं ना अपन ने, कियस्मेटा, साइनेप्सिस, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बाइवेलेंट, टेट्राड, कियस्मेटा, ये 5-6 टर्म्स जो हैं इसकी डेफिनेशन लिखिए एज मच सिंपल यू कैन, ठीक है, सो एज टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। ठीक है तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पहले के जो दो फेजेस हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं और बाकी के जो फेजेस होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं। अभी प्रोफेज ही चल रहा है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अभी हम प्रोफेज में ही हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज। अभी मैंने बात करी पैकेटिन को मैं थोड़ा और सिंपल से शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। पैकेटिन ऐसी स्टेज होती है जिसमें ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर वाइंड होना शुरू करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, अभी एक स्टूडेंट ने इमेज शेयर करी थी, काइंडली शेयर दैट इमेज वंस अगेन, आई विल बी फॉरवर्डिंग इन द 11th ऑल्सो। तो उसमें क्या था कि ये जो पैकेटिंग का स्टेज होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं, दे गॉट मेकिंग प्लेट्स, मतलब एक दूसरे के ऊपर उलझने लगते हैं, तो कई सारी जगह पे क्रॉस बनेगा, मतलब कियस्मेटा बनेगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है पैकेटिन भी दिखाऊं, रुको ये देखिए, जाइगोटिन में देखो पेयरिंग, लेप्टोटिन में कंडेंस, क्रोमोसोम्स इज गोइंग टू कंडेंस, जाइगोटिन में जुड़ा बनाओ, पैकेटिन में पैकिंग करो, एक दूसरे के ऊपर वाइंडिंग करेंगे। हाँ यहाँ देखो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये देखो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मतलब बेसिकली देयर एसोसिएशन, ठीक है होमोलॉगस क्रोमोसोम का आपस में, दो क्रोमोसोम्स का आकर आपस में आकर के रिलेशन एस्टेब्लिश करना। पैकेटिन देखो स्टेज में बहुत सुंदर दिखाया गया है इसको, पैकेटिन में देखो जो ये क्रोमोसोम्स हमने लिए हैं ना, ये क्रोमोसोम्स जो है एक दूसरे के ऊपर उलझते हुए से दिख रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पैकेटिन, पैकस, क्रॉसिंग ओवर इन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो इस तरीके से आपको देखो यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस दिख रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस दिख रहा है, 3-4 जगह पे क्रॉस दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है और साथ ही साथ में न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होगा। पैकेटिन क्लियर हुआ, बेटा पैकेटिन क्लियर हुआ, पैकेटिन का इमेज क्लियर हुआ, पैकेटिन समझा,
क्रोमोसोम्स आर गेटिंग एंटेंगल्ड, फंस रहे हैं एक दूसरे के साथ में, मेकिंग द क्रॉस, जहाँ पर भी एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप करेंगे, वो ओवरलैपिंग की जगह जो होगी, दैट इज गोइंग टू मेक द क्रॉस एंड दैट इज ओनली गोइंग टू बी नोन एज कियाज़मेटा फॉर्मेशन. ठीक है, बस इतना पढ़ाऊंगी, ज़्यादा नहीं, ताकि आप बुद्धि में रख सकें और नोट्स कंपाइल कर सकें. ठीक है, फोर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवेरेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपेयर एज अ टेट्राड. टेट्राड बन, अब आपको समझ में आ गया. दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय द अपेयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. रिकॉम्बिनेशन मतलब जगह जगह पे क्रॉस बनेगा. द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, बट द पॉइंट टू बी नोटेड, दे विल बी मेकिंग द क्रॉस इन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ओनली. आपस में ही क्रॉस नहीं कर लेंगे. ठीक है, ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम. क्रॉसिंग ओवर इज एन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. उस क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, जहां जहां पर भी क्रॉस होगा ना, वहां वहां पे क्रोमोसोम्स के सेक्शन एक्सचेंज होंगे. ठीक है, मतलब ये जो मान लिया मैंने कि एक ये वाला क्रोमोसोम था मेरे पास में, और कृपया ध्यान दीजिएगा, और एक ये था, तो मैं अभी आपको सिर्फ एक ही जगह पे क्रॉस बना कर दिखा रही हूँ. सो इन दिस वे दे गॉट अ कियाज़मेटा फॉर्मेशन ओवर देयर. कियाज़मा बना. ठीक है, तो ये जो आपका बन रहा है, इसको ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो, ये क्रॉस बन रहा है ना. तो यहाँ पे ये जो क्रॉस बनने की जो जगह है, वहाँ पे क्रोमोसोम एक्सचेंज होंगे. प्लीज़ अटेंशन दीजिएगा कि हाँ, ये तो ये जो क्रोमोसोम मैंने बनाया है, अब आप सोचने वाले होंगे ये क्या कर दिया, ये किया मैंने. ये जो अभी मैंने डायग्राम बनाया है, ये मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए बताया है कि जब हम पैकेटिंग करेंगे तो बिकॉज ऑफ द पैकेटिंग दे विल बी मेकिंग द कियाज़मा फॉर्मेशन. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से उसमें कियाज़मेटा बनेगा. ठीक है, ये देखो, कियाज़मेटा, कियाज़मेटा बना. ये दिस इज व्हाट इज नोन एज कियाज़मेटा. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कियाज़मेटा, कियाज़मेटा बनने के बाद में जब वो अगली स्टेज में जा करके खींचेंगे एक दूसरे को, अलग होने की कोशिश करेंगे. पैकेटिंग में तो एक दूसरे के वो उलझ गए, उलझने के बाद में जब सुलझने की कोशिश करेंगे तब देखेंगे, अरे उसका सेक्शन, मतलब उसके जीन्स इसमें आ गए, इसके जीन्स उसमें चले गए. दिस इज व्हाट इज नोन एज द रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बना. सो दिस इज रिकॉम्बिनेशन RC, दिस इज अनदर रिकॉम्बिनेशन. क्यों बोला मैंने रिकॉम्बिनेशन, बिकॉज दे आर नॉट द वे दे वर, वो ओरिजिनल नहीं रहे. वो रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द पैकेटिन. पैकेटिन में ये जो रिकॉम्बिनेशन बनने का कार्य होता है वो संपन्न कर दिया जाता है, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. ये तो मैंने बताया कि ये आपको रिजल्ट मिलेगा, बट स्टिल दे विल बी गेटिंग कनेक्टेड. द बिगनिंग ऑफ द डिप्लोटीन, दिस इज अ नेक्स्ट फेज, इज रिकॉग्नाइज बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनियमल कॉम्प्लेक्स. साइनेप्टोनियमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व होंगे, डिसोल्यूशन, अलग अलग होने की प्रवृत्ति. ठीक है, एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ द बायवेलेंट टू सेपरेट. अलग अलग होनेंगे. ये आपको जो डायग्राम मैंने दिखाया है ना, एग्जैक्टली ये डिप्लोटीन का है, पर सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मैंने ये डायग्राम आपको बना के दिया. ठीक है, फॉर ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर. तो जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो जगह अटैच रहेगी, मतलब दे विल बी अटैच्ड स्टिल इन द डिप्लोटीन. वो एक्स वाली जगह जो है ना, वो वहीं पे रहेगी, बाकी क्रोमोसोम अलग हो जाएगा. ठीक है, डायग्राम दिखा है, कहाँ गया है वो डायग्राम, अभी फिर ढूंढना पड़ेगा, छोड़ देते हैं, बाद में मैं आपको पूरा डायग्राम दिखाती हूँ. ठीक है, तो वो एक्स वाली जगह जो है ना, जहाँ पे कियाज़मेटा बना है, तो ये वाली जगह अटैच रहेगी किसमें, डिप्लोटीन में, बाकी पूरा क्रोमोसोम जो है खुल जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, बस इस जगह पे ये बंधे हुए रहेंगे जहाँ पे कियाज़मेटा है.
ठीक है, इन ऊसाइट ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। और कुछ कुछ ऊसाइट्स में ऐसा होता है कि जो डिप्लोटीन की स्टेज होती है वो मंथ, कई महीने या कई सालों तक रह सकती है। तो विद योर ड्यू परमिशन, कैन आई कंप्लीट डायकाइनेसिस ताकि प्रोफेज कंप्लीट हो जाए? क्या मैं डायकाइनेसिस कंप्लीट कर सकती हूँ? डू यू हैव फ्यू मोर मिनट्स? कोई एक बच्चा 11 से यस लिख दीजिए, कोई एक बच्चा 12 से यस लिख दीजिए। आपका कुछ इशू तो नहीं है अगले 5 से 10 मिनट में? आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस स्टेज डिप्लोटीन। ठीक है, डिप्लोटीन में देखो जहां पे क्रॉस बना है ना, जहां पे क्रॉस बना है केवल वही जगह कनेक्टेड है, बाकी देखो ये क्रोमैटिड पूरा अलग और ये वाला क्रोमैटिड भी पूरा अलग। सो दे विल बी अटैच एट द प्लेस वेयर दे फॉर्म कीस मेटाफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये डिप्लोटीन। परमिशन दीजिए तो मैं आगे बढ़ सकूं? यस, ओके। सो आई गॉट द परमिशन फ्रॉम सो मेनी स्टूडेंट्स, सो इट मीन्स आई कैन प्रोसीड कंफर्टेबली। सो हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फाइनल स्टेज ऑफ द मियोटिक प्रोफेज। प्रोफेज की अंतिम चरण की मैं बात करने जा रही हूँ। दिस इज नोन एज द डायकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ किस्मेटा। अभी टर्मिनलाइजेशन का एक इमेज मैं दिखाऊँ आपको। ये देखो, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको कीस्मेटा फॉर्मेशन दिख रहा था, वो कीस्मेटा फॉर्मेशन अब टूट रहा है, यानी कि ये एक दूसरे से अलग होने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो रिलेशन यहाँ पे था वो हट करके थोड़ा किनारों की तरफ चला गया है, टर्मिनल एंड्स की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये वाला डायग्राम बेटा आपको, आप एक काम करिएगा क्लास के बाद में, ये इमेज जो है देख लीजिए, आपको इसका लिंक डाउट नट जो भी है, ये इमेज आप सेव कर लीजिएगा एंड दिस इमेज यू हैव टू फॉलो व्हाइल मेकिंग द नोट्स। ये अच्छा इमेज है, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो आप ये देखिए, इसका जो कीस्मेटा फॉर्मेशन था यहाँ पे डिप्लोटीन में, अब वो आपको किनारों की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। शिफ्ट मतलब जो एसोसिएशन उनके बीच में बना है वो टूट रहा है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम हो गया है। ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड। मियोटिक स्पिंडल असेंबल होने जा रहा है टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। बाय द एंड ऑफ डायकेनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। इस फेज के एंड होने तक न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा एंड न्यूक्लियर एनवलप ऑल्सो इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन। डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। और डायकाइनेसिस के बाद में ट्रांजिशन होने की शुरुआत हो जाएगी, यानी मेटाफेज की शुरुआत हो जाएगी। अभी आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि अब आप मुझे अपनी समझ के अनुसार एक एक फेज में क्या क्या हुआ है आज की डेट में, यानी कि मियोसिस वन के प्रोफेज में आपने जो पहला फेज पढ़ा था दैट इज़ अ लेप्टोटीन, लेप्टोटीन का बहुत डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या था वो लिखिए, ताकि मुझे समझ में आएगा कि ये चीज़ में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन में रिपीट करूँगी। इन शॉर्ट व्हाट इज हैपनिंग इन द लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में क्या हो रहा था? कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, बहुत सही और कॉम्पैक्ट आंसर, वेरी गुड। सो नाउ अब जब आप आंसर लिखोगे ना, तो उसमें आगे मेंशन करिएगा कि आप जो आंसर दे रहे हैं दैट आंसर बिलोंग टू व्हाट। तो जैसे कि लेप्टोटीन में कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, ऐसे ही लिखिएगा। नाउ क्वेश्चन चेंजेस, व्हाट वाज हैपनिंग इन द लेप्टोटीन हो गया, उसके बाद में जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या हो रहा था? ट्राई टू मेक द आंसर प्रिसाइज। अब लिखिएगा ZYGO, जाइगो, फिर स्लैश दीजिए, फिर आंसर टाइप करिए जल्दी से, कम ऑन डू इट फास्ट। वेरी गुड आंसर बस स्नेहा जी,
दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इतनी ही जल्दी आंसर बाकी चीज़ों का भी दीजिए. वेरी गुड स्नेहा. पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कॉल्ड साइनेप्सिस जायगोटीन. वेरी गुड. क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर इन अ जायगोटीन. द पॉइंट टू बी नोटेड, यू हैव टू राइट डाउन विदाउट एनी फेलियर दैट देयर इज अ पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. ओके. और आज का जो होमवर्क दिया है वो प्लीज क्लास खत्म होने के तुरंत बात करना. बाइवेलेंट क्या होता है, किस्मेटा क्या होता है, सेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, साइनेप्सिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें कंपाइल करके उन पे एक एक लाइन की क्लियर कट डेफिनेशन लिख करके भेजना है आपको. फॉर्मेशन ऑफ सेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट, फॉर्मेशन ऑफ किस्मेटा, ये सारा का सारा किसमें हो रहा है? दिस इज ऑल हैपनिंग इन द जायगोटीन. तो जायगोटीन के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है एंड प्लीज इंश्योर ईच एंड एवरी टर्म शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू यू. इफ इट इज नॉट देन प्लीज आस्क मी इन माय व्हाट्सएप नंबर. व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है? बट फर्स्ट यू ट्राई योर सेल्फ, क्योंकि आप ट्राई करोगे, इफ यू विल बी ट्राइंग टू फाइंड आउट देन यू विल बी हैविंग द मोर क्लैरिटी ऑफ द विजन, ठीक है? नाउ देयर इज अ नेक्स्ट स्टेज. नेक्स्ट स्टेज क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगी. व्हाट इज द थर्ड स्टेज? आपको मैंने सीक्वेंस याद करा है. लड़की जरा पानी, पानी का पी क्या डिनोट करता है उसका नाम लिखिए और उसमें क्या हो रहा है वो लिखिए. डू इट फास्ट. Yes, crossing over of non-sister chromatid, joining of the homologous chromosome. Aditi, इसको थोड़ा refine करके chromatids के sense में लिखो. Two different chromosome chromatids overlap and get struck. Okay, ठीक है, चलेगा. बस ध्यान देना है non-sister chromatids के बीच में होना चाहिए, ठीक है? Please mention the exact terminology because it's very important. Yes, it's correct. Now, let's proceed for the next. What is the fourth stage of the prophase? Fourth stage kya hai prophase ki? Packetin mein genetic material exchange hote hain. Bahut sahi answer diya hai Kalyani ji aapne. बिल्कुल सही पकड़ा है. और अब आप मुझे बताइए चौथा स्टेज क्या है. डबल डी है हमारे पास. डबल डी का पहला डी था डिप. डिप, डिप क्या था? व्हाट वाज दैट डिप? बहुत अच्छे से आप इंटरेस्ट लेकर के पढ़ रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट यू पीपल आर स्टडिंग वेल, दोज हु आर अटेंडिंग द क्लास. एंड ये लड़का कहाँ गया? आयुष, यस निधु जी, डिप्लोटीन था. और अब जल्दी से मुझे बता दो डिप्लोटीन में क्या होता है. यस, डिसोल्यूशन ऑफ द सेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो एसोसिएशन बना था वो डिसोल्यूशन होना शुरू होता है. वेरी गुड आंसर बाय स्नेहा जी. डिप्लोटीन, हाँ डिप्लोटीन है. अभी इसमें हो क्या रहा है वो लिखो जल्दी से. बाइवेलेंट्स गेट सेपरेटेड. बेटर टू से कि ये जो एसोसिएशन है वो टर्मिनल एंड्स की तरफ शिफ्ट होने जा रहा है. इट इज गेटिंग शिफ्टेड टू द टर्मिनल एंड. ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर जस्ट वन मोर मिनट सो दैट यू कैन गिव आंसर. जल्दी बताइए. डायग्राम खोल के रखूं मैं आपके लिए. ये देखो डिप्लोटीन. डिप्लोटीन में आपका किस्मेटा फॉर्मेशन बन रहा है और ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, यानी सेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अलग हो रहा है. सॉरी, टर्मिनल एंड्स वाला जो पार्ट है वो डायकाइनेसिस का हिस्सा है. यस, ओके, नाउ यू कैन प्रोसीड विद योर आंसर्स. टू गेट सेपरेटेड सही है. डिसोल्यूशन ऑफ द सेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सही है. नाउ यू जस्ट टेल मी अबाउट द लास्ट फेज ऑफ द प्रोफेज वन ऑफ द मियोसिस वन.
कम ऑन राइट डाउन व्हाट इज हैपनिंग इन द लास्ट फेज ऑफ द प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन. डिप्लोटीन के बाद क्या होता है भाई? डाइकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कैसमेटा. वेरी गुड आंसर भाई कल्याणी जी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टेजेस विच बिलोंग टू द प्रोफेज वन ऑफ द मियोसिस वन. यस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कैसमेटा. और इसी तरीके से टर्मिनलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? मेटाफेज. कैन यू गेस कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मेटाफेज आफ्टर दिस प्रोफेज? यस, डायकाइनेसिस में क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड. एनी गेसेस फ्रॉम एनीवन कि अब यहां पे टर्मिनल पर शिफ्ट हुआ है, क्या वो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो गए हैं या नहीं? या फिर जितने लोग बोलते हैं अलग हो गए हैं, प्लीज टेक्स्ट योर आंसर. या फिर जिनका कहना है कि वो, अरे वाह कल्याणी, बहुत बढ़िया आंसर दे दिया तुमने, दिल खुश कर दिया. क्रोमोसोम विल बी अरेंज इन इक्वेटोरियल प्लेट. यस, इसके बाद में ये जो क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड लिखा है ना अर्पिता, वो अभी नहीं होगा. ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स जाकर के लाइनअप हो जाएंगे कहाँ पर? मेटाफेज में, मेटाफेज के इक्वेटोरियल प्लेट में. इक्वेटोरियल प्लेट पे पूरा लाइनअप होंगे, तब उसके बाद में मेटाफेज में, मेटा के बाद में एनवा होगा, फिर होगा टीलो, तब होगा ये कर संपन्न. ठीक है, डायग्राम दिखा दूं आपको, ये देखो. तो ये प्रोफेज था. अब आप बोलोगे कि एक ही क्रोमोसोम का पेयर लेकर के चले थे, क्योंकि जितने ज़्यादा हम पेयर लेकर के चलेंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा. यहाँ पे भी देखो, इन्होंने एक छोटा पेयर दिखाया, एक बड़ा पेयर दिखाया, ताकि क्लैरिटी दे सके वो आपको. अब यहाँ पे आप देखो, मेटाफेज के अंदर ये चीज़ें, ये जो क्रोमोसोम्स थे ना आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स से, वो क्या करेंगे बेटा? एनसीईआरटी के डायग्राम में मज़ा नहीं आ रहा है, मैं आपको मेरे हिसाब से डायग्राम सर्च करके शेयर करती हूँ. ठीक है, या फिर आप डाउटनेट वाले जो डायग्राम है ना, उसी में आगे का डायग्राम फाइंड आउट करिएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो इक्वेटर पे सिचुएटेड हो जाएंगे. इक्वेटर पे सिचुएटेड होने के बाद में आपने देखा माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होंगे, स्पिंडल फाइबर्स जो थे वो इस्टेब्लिश हो करके अब आगे का कार्य संपन्न करेगा, यानी कि मेटाफेज में इक्वेटर पे आएंगे. फिर आपके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या बोलते हैं, अब अलग अलग पोल की तरफ जाने लगेंगे विद द एक्सचेंज्ड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, जिसमें एक्सचेंज हो चुका है क्रोमोसोम का. ठीक है, उसके बाद में जो पोल्स की तरफ क्रोमोसोम जा रहे हैं, दैट इज अ कंप्लीट क्रोमोसोम. एंड हियर देयर इज अ वन मोर थिंग, हियर यू विल बी एबल टू सी दैट देयर इज नो डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर. हैव यू ऑब्जर्व कि यहाँ पे ये जो फेज पूरा होगा, यानी कि मियोसिस वन जो पूरा होगा, वहाँ पे सेंट्रोमियर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है. क्यों नहीं पड़ी है, कुछ आप बता सकते हैं? ये अब तक के इतिहास का सबसे लंबा क्लास होने जा रहा है. एनी गेसेस कि यहाँ पे मैंने सेंट्रोमियर को डिवाइड नहीं किया है, क्यों? जरा उत्तर दीजिए जल्दी से. आई विल बी जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स. चलो, लग रहा है आपका ओवरडोज हो गई है आज की, तो चलिए अब मैं डोज को समाप्त करती हूँ. एक घंटा कंप्लीट हो गया है हमको ऑलरेडी. ठीक है, शायद इससे ज़्यादा आप ले नहीं सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना एटलीस्ट ले लिया आपने. सो प्लीज़ मेक इट श्योर कि बेटा आप एक काम करिए कि आज इतना नोट्स बना लीजिए. बस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय.